गोला, गोकर्णनाथ से बीजेपी के अमन गिरी जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से आगे चल रहे थे लगातार। तो आपको बता दें कि यहां 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज जो उपचुनाव हुए थे उसके लिए गिनती सुबह से शुरू थी और नतीजे भी धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के सीट से, जहां मुकाबला बड़ा दिलचस्प बताया जा रहा था। तो गोला गोकर्णनाथ सीट से निर्णायक जीत की ओर बढ़े बीजेपी के उम्मीदवार अमन गिरी। जी न्यूज से उन्होंने बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। कि देखिए आप अमन गिरी आप हमारे साथ हैं जो बीजेपी के नए ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं विधायक हैं और देखिए लगातार जनता के बीच में है। सबसे पहले अमन आपको बहुत बहुत बधाई, नए विधायक के तौर पर आप जो है चुन लिए गए, क्या कहेंगे पहला शब्द? समस्त जनता को, समस्त गोला विधानसभा के पूरे के पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार दिल से। आपके पिता नहीं है, भावुकता वाला पल है, पहला चुनाव और रिकॉर्ड तोड़, पिता से ज्यादा वोट। जो हमने आपसे बात किया था आपने कहा था रिकॉर्ड चुनाव तब है क्योंकि हमारे पिता का ही ये चुनाव है। देखिए पिताजी का ही चुनाव है, उन्हीं का चुनाव था, उसी तरीके से उनके मतों में बढ़ोतरी भी हुई है और होती रही। क्या कुछ अधूरे काम, क्योंकि देखिए पिताजी आपसे बहुत बात करते होंगे, तो क्या कुछ अधूरे काम है जो उनको पूरा करना है, पिताजी का जो दिमाग में था उनको पूरा करना है जनता के लिए? देखिए अधूरे कार्य मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, जैसे कि हमारा शिव मंदिर का कॉरिडोर छोटी काशी का, हमारी गोला की रिंग रोड हो गई, हमारा गोला का राजेंद्रगिरी स्टेडियम हो गया उसका पुनर्निर्माण, हमारे बिजवा क्षेत्र में जो बाढ़ का जो जगह आती है उसको पूरा करवाना, ऐसे ऐसे कार्यों को पूरा कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा है। एक शब्द जो है वो जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों ने भी आपको वोट किया। जनता का विश्वास, हम लोगों को जनता ने अपना विश्वास हम पे जाहिर करा है, हम भी उनका विश्वास बना के रखेंगे, सभी को एक साथ लेके चलेंगे जिस तरीके से पिताजी। और अब बात बिहार की भी करेंगे। बिहार उपचुनाव से जुड़े इस वक्त की एक और खबर सामने आ रही है। मुकामा सीट से आरजेडी उम्मीदवार की जीत हो चुकी है। मुकामा सीट से नीलम देवी की बड़ी जीत, बीजेपी प्रत्याशी को 16,000 वोटों से नीलम देवी ने हरा दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार से। मुकामा सीट से आरजेडी उम्मीदवार की जीत हुई है और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं दरअसल गोपालगंज में, क्योंकि बीजेपी की कैंडिडेट लगातार आगे चल रही है तो बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी आतिशबाजी देखने को मिली, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दो दिखा रहे हैं। बीजेपी को एक तरफ जहां पर मुकामा में शिकस्त का सामना करना पड़ा तो वहीं गोपालगंज में बीजेपी की बढ़त जो शुरू से थी वो जीत की ओर बढ़ती चली गई। ये तस्वीरें देखिए, जब जीत की खबर सामने आई कि नीलम देवी जीत चुकी हैं तो आरजेडी के कार्यकर्ता कैसे खुशी मनाते नजर आए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। इन्होंने 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज काउंटिंग और अब नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं, जिनमें से तो पहले से ही तय था, हमारी जीत पहले से ही तय था। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता थी वो भी पूरी हो गई। तो कहे तो कि मोकामा बाबा परशुराम की धरती है, वहाँ मोकामा क्षेत्र की जनता किसी जुमले बाजे और बहकावे में नहीं आएगी। जितना विधायक जी जनता को सेवा किए हैं दुख में सुख में और विकास किए हैं, जनता उसी का तो रिजल्ट दे रही है। महागठबंधन काम आया जी, बिल्कुल। तो महागठबंधन भी काम आया, यानी कि जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद देखिए बीजेपी से जेडीयू अलग हो चुकी है और महागठबंधन जिसमें जेडीयू शामिल हो चुकी है, आरजेडी है, वो महागठबंधन यहाँ पे काम आया है और आरजेडी का उम्मीदवार यहाँ पर नीलम देवी बनी, चेहरा बनी, जो एक अच्छे मार्जिन से 16,000 से ज्यादा वोटों से देखिए जीत दर्ज इन्होंने कराई है और उसके बाद इस तरीके की तस्वीर है। हालांकि 2 सीट पे बिहार में उपचुनाव हुआ था, मुकामा में और दूसरा गोपालगंज में, तो मुकामा सीट आरजेडी के खाते तो वहीं गोपालगंज की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है। लगातार वहां से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और बिहार की ये तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं।
दो, एक तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि दोनों जगह मौका दोनों पार्टियों को मिला है जीत का जश्न बनाने का। एक तरफ आरजेडी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई तो दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार लगातार बढ़त बनाए हुए हैं गोपालगंज सीट पे। तो 7 सीटों पर जो वोटिंग हुई थी उपचुनाव के लिए 6 राज्यों में, वहां अब नतीजे आने शुरू हो चुके हैं जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो पटना में ऑफिस है, दफ्तर है, उसके बाहर आतिशबाजी करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो मुकामा से आरजेडी की नीलम देवी ने जीत दर्ज कराई है। गोपालगंज सीट से बीजेपी की कुसुम देवी जीती हैं, ये खबर भी इस वक्त सामने आ रही है, जहां कुसुम देवी ने जीत दर्ज करा ली है। और उसके बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर। चिराग पासवान फैक्टर भी काम किया। देखिए, मोकामा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत किए हैं और सभी कार्यकर्ता नेता, चिराग जी का भी, सब लोगों ने मिलकर के मेहनत किया है और मोकामा में जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। सरकार हारी है वहाँ चुनाव, महागठबंधन हारा है, जनादेश बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि वहाँ छोटे सरकार का जेल भेजने के कारण और उनकी अपने काम के कारण उनकी एक सहानुभूति है। 5 बार से विधायक हैं तो वहाँ छोटे सरकार जीते हैं, महागठबंधन की सरकार हार गई है और बीजेपी जीत के मुहाने पर खड़ा रह गई है। लेकिन 24-25 में जनादेश मेरे पक्ष में साफ स्पष्ट रूप से दिया है मोकामा की जनता। तो मोकामा सीट को लेकर के देखिए, बीजेपी का साफ तौर पे यही कहना था कि जो जनादेश मिला है वो अनंत सिंह के पक्ष में मिला है, ना कि महागठबंधन के पक्ष में, क्योंकि 5 बार के विधायक भी अनंत सिंह वहां पे रह चुके हैं। इस बार उनकी पत्नी को आगे कर दिया गया था, आरजेडी के टिकट पे वो उतर गई थी चुनावी मैदान में। तो ये जीत सिर्फ अनंत सिंह की है, आरजेडी की नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने 2024 और 25 का भी जिक्र किया, क्योंकि 24 में लोकसभा और उसके अगले साल बिहार में फिर विधानसभा चुनाव, तो वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।